और देखो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आजकल आप यहाँ पे देखोगे ना, ये छोटा सा धारा, एक टाइम पे यहाँ पे बहुत कम पानी आता था, और आजकल देखो यहाँ पे कितना सारा पानी आता है। बरसात के टाइम पे देखोगे ना आप, इतना सारा पानी आता है यहाँ पे, ये देखो पूरा। तो अभी लगभग टाइम हो रहा है 3:30, और मौसम देखोगे ना आप, पूरा मौसम पह गया। और उस साइड देखो कितनी सारी बारिश हो रही है, और मधमेश्वर वैली साइड देखो कितनी बारिश हो रही है। और मुझे ये बोतल ले जानी है यहाँ नीचे, वहाँ मम्मी जी गई हैं गाय के साथ, तो उनको पानी चाहिए था, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो अभी पानी लेके जा रहा हूँ वहाँ नीचे। और ये देखो आजकल, और आजकल देखो हर जगह आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी ना, तो हर जगह आ रखे हैं आजकल गधेरे, मतलब बरसात के टाइम पे तो हर जगह गधेरे ही गधेरे। तो ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक नेगी, और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटीके व्लॉग्स। अभी चलते नीचे, बारिश में आने वाली है, और जल्दी जल्दी पानी देता हूँ और घर आता हूँ, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं। अभी बारिश हो गई तो फिर खाली खाली भीग जाएंगे। ओ भाई, तो पहले एक बारी पानी दे के आता हूँ। और यहाँ से हमारा घर है ऊपर वहाँ पर, और मैं हूँ यहाँ पे। अभी जाना है मुझे वहाँ नीचे वहाँ पे, तो वहाँ से आवाज़ भी आ रही है, तो वहाँ चलते हैं और ये पानी देते हैं उनको। और एक चीज़ और कि आजकल ना मौसम का पता ही नहीं चलता है कि कब मौसम खराब हो गया, कब बारिश होगी। सुबह सुबह देखोगे ना आप, तो सुबह इतनी मस्त वाली धूप लगी हुई थी कि मतलब ऐसा लग रहा कि आज तो बारिश होगी नहीं। और अभी मौसम ऐसा हो गया ना, पीछे उस साइड देखो आप, उस साइड मधमेश्वर वैली साइड देखो, तो वहाँ इतनी भयंकर बारिश हो रही है ना आज। और दूसरा, आज हमारे साथ वाले कोई कोई यहाँ से मधमेश्वर भी गए हैं, तो मतलब इतनी तगड़ी वाली बारिश में ना वहाँ बड़ा दिक्कत होता है जाना, मधमेश्वर तो ज़्यादा ही। और बहुत से लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि मतलब मधमेश्वर का क्या सीन है जाने का। तो भाई मधमेश्वर का सीन ऐसा है कि मतलब आजकल तो जा ही रहे हैं वैसे, पर मंदिर में जाने नहीं दे रहे हैं। मंदिर के आगे पूरे बैरियर लगे हुए हैं ना, तो खाली वहीं तक जाना है, तो मैं चंदन चुंदन लगाएंगे और फिर वापस आ जाना है वहां से। तो ये चीज़ है आजकल मधमेश्वर का। तो अगर आना चाहो तो ऐसे आ सकते हो, नहीं तो बाद ही में जब पूरे कपाट खुल जाएंगे तो बाद में आ सकते हो। तो अभी मैं नीचे से यहाँ पर तक आया ना, तो इतनी तेज बारिश लगने बैठ गई यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये देखो फुल वाली बारिश लगने बैठ गई है। तो जल्दी जल्दी घर चलते हैं। जैसे ही नीचे से घर आए ना, अभी नीचे से वैसे देखो बारिश होना शुरू हो गया है। अच्छा वहां थोड़ा जल्दी आ गए, नहीं तो भीग जाते नीचे ही। और अभी थोड़ी देर पहले इतनी तेज वाली बारिश हो रही थी ना, अभी तो थोड़ा बहुत कम हो रही है, लेकिन थोड़ी देर पहले इतनी तेज बारिश हो रही थी। पता ही नहीं चल रहा मौसम का, मौसम कभी बदल जाए, कभी यहाँ बारिश हो जाए। तो यही होता है, पहाड़ों का भरोसा नहीं होता है कि कब मतलब तेज बारिश हो जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभी बारिश लग रही है ना, तो 10 या 15 मिनट के बाद अच्छा खासा मौसम हो जाएगा, अच्छा मतलब धूप भी लग जाएगी। ऐसे भी हो जाता है बरसात के टाइम पर, जहाँ तक कि पता नहीं चलता है कि कब धूप लग जाए, कब बारिश लग जाए। तो ये चीज़ है फिलहाल। और काको कहाँ, मार्केट राशि? बढ़िया बढ़िया, ये बरखा अभी ठीक। तो अंकल जी जा रहे हैं अभी रांची। और ये देखो आजकल जो ये ककड़ी की बेल ना ज्यादा बड़ी हो गई थी, तो यहाँ देखो तब ऊपर यहाँ छत में से ना ये जुगाड़ कर रखा है, यहाँ से 2-4 छोटे लगा दिए, अब वो वहां से सीधा इस साइड आएगा। तो ये चीज है, ज्यादा ही बड़ी हो गई थी ना, तो उसलिए तब ये वाला जुगाड़ कर रखा है कि ताकि ऊपर छती में चली जाएगी ककड़ी की बेल। और धुंध वाला मौसम पूरा देखो अभी। और उधर साइड तो देखो, उधर साइड तो पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। उस टाइम तो वो तो वहां तो सुबह से हो रही थी बारिश, और अभी तो पूरी बारिश ही चल रही है। और ना बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि मधमेश्वर वैली में जब जैसे मधमेश्वर जाते हैं तो वहां रहने का सीन क्या है। तो रहने के लिए वहां है भाई, वहां होटल है, मतलब जो ये गोंडार वैली है ना, वहां के लोगों के वहां होटल है ऊपर, तो रहने की पूरी व्यवस्था है। बट मंदिर के अंदर जाने दे रहे हैं, मंदिर के पूरे बाहर साइड बैरियर लगे हुए हैं, तो वहाँ मतलब अंदर जाना अलाउड नहीं है। बस बाहर पे एक जगह पे चंदन रखा हुआ है, तो चंदन लगाना है आपको, और घर के लिए आ जाना है रहने के लिए। वैसे अगर आप, अगर वैसे प्लान है खाली रहने तक का है, मतलब ऐसे ही आपको जाना है, बाहर से हाथ उठ जोड़ने हैं, तो वैसे के लिए तो सही है कि वैसे जा सकते हो आप, हाथ उठ जोड़े बाहर और आगे घर। लेकिन अगर आपको दर्शन करने हैं तो वो तो बाद में हो सकता है, जैसे मतलब कपाट या अच्छे रंग से खुल जाएंगे या दर्शन सब जगह होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब दर्शन कर सकते हो आप। नहीं तो ऊपर जाना है और चंदन लगाना है और आ जाना है, बाहर से हाथ जोड़ना है और आ जाना है। तो ये है वहाँ का।
और रहने का सीन वैसे रांची है, गोंडार में भी है, गोंडार में भी लोगों की लॉज है, मतलब होटल है, और ऊपर उससे ऊपर जो पड़ाव और पड़ाव पड़ते हैं वहां पे भी रहने के लिए, तो ये चीज है। तो रहने के लिए तो पूरा है, बस दर्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये है उन लोगों के लिए जो आना चाहते थे यहाँ। कि एक सिंगल बंदर है ना, उसने सबके नाक में दम कर रखा है, जैसे ही बारिश होती है वो ऐसे ही आ जाता है, और मतलब किसी खेत में चले गया कि कोई ककड़ी की बेल है उसी को तोड़ देता है, या अखरोट के पेड़ पे जा रहा है तो पूरे अखरोट ही तोड़ रहा है। तो सिंगल बंदर का ये दिक्कत होती है, अगर झुंड में रहते हैं तो पता चल जाता है कि मतलब इतने सारे आ रहे हैं, दिखाई देते हैं सबके सब, लेकिन सिंगल बंदर की सीन ऐसे होता है ना, वो छुप छुप के आता है और सारे मतलब जितने मकई हो गया या ये बीन्स हो गया या ककड़ी हो गया, और आजकल तो कद्दू का भी टाइम है तो कद्दू की बेल हो गया, तो सबको काट रहा है और भाग रहा है उस साइड, आगे उस साइड वहां पे, तो उसके भी आजकल बड़ा खतरनाक सीन हो गया। तो बाहर तभी रहना पड़ रहा है ज्यादा ही, मतलब भरोसा नहीं है कब आ जाए वो। अब बरसात, जैसे बरसात के टाइम पे उसे पता है सब लोग अंदर रहेंगे, तो आ रहा है सीधे। तो जो साग सब्जी घर के आगे पीछे होती है या गौशाला के आगे पीछे होती है ना, आ रहा है सीधे चुपके से, खा हो रहा है और निकल रहा है। तो बहुत टाइम, बहुत दिन हो गया उसको। आगे पे वहां पर केले के पेड़ भी है, तो उसने ना वहां पे भी पूरा सफाया कर दिया, वो अच्छे खासे जो परसों बताए थे ना मैंने आपको, उतने सारे केले लग गए, तो उसने तोड़ ताड़ के उन केलों की ना पूरी हालत कर दिया। तो थोड़ा बाहर ही पे रहना जरूरी हो गया है, नहीं तो पता नहीं कब आ जाए वो और कब बुरी हालत करते पूरी खेत की। और अभी देखो पूरी बारिश ही लग रही है, अभी उस टाइम से लगभग आधा घंटा हो गया है, तो पूरी बारिश ही बारिश हो रही है। और अभी देखो शाम की चाय भी आ गई और मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है, और जैसे ही थोड़ा बहुत बारिश बंद हुई ना, वैसे ही देखो थोड़ा सा मतलब ऐसे लग रहा है जैसे धूप लगी होगी, ऐसे टाइम पे आता है इंद्रधनुष। और देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है और थोड़ा बहुत इस साइड दिखाई दे रहा है। तो ये है कुछ नज़ारे यहाँ के। तो मौसम दिख रहा है आपको, कितना प्यारा मौसम हो रखा है ना। तो एक बारी आपको चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ मैं। तो ऐसे मौसम में अगर चाय हो जाए तो अलग ही मजा है, वाओ। तो इस शाम की चाय के साथ आज के ब्लॉग की भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं आपको अगली पहाड़ी लाइफस्टाइल वीडियो में इसी खूबसूरत से मौसम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये देखो पूरा व्यू चाय की ग्लास के साथ। थैंक यू सो मच।